हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला की शादी में पूरी हरियाणा सरकार पहुंची। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई मंत्रियों ने दिल्ली में हुए शादी समारोह में शिरकत की। इसके अलावा सरकार के आला अधिकारियों के साथ साथ विधायकों और बड़े नेताओं ने शादी में पहुंचकर बधाई दी। हालांकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो और दिग्विजय के दादा ओम प्रकाश चौटाला और चाचा अभय सिंह चौटाला समारोह में नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि शादी के लिए परिवार की ओर से कार्ड भी दिया गया था। इससे पहले सिरसा में 10 मार्च को शादी के उपलक्ष्य में प्रतिभोज दिया गया था। चौटाला हाउस पर हुए रिंग सेरेमनी कार्यक्रम हुआ था। इसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल समेत बाबा रामदेव के साथ साथ कई अन्य बढ़िया हस्ती भी ने शिरकत की थी। बुधवार को दिल्ली में हुए शादी समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ उनकी टीम के अधिकारी भी पहुंचे। शादी समारोह में बीजेपी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने भी शिरकत की। तमाम अटकलों के बीच पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला शादी में नहीं पहुंचे। अभय चौटाला परिवर्तन यात्रा में जुटे हैं। इस दौरान वे कर चुके हैं कि शादी समारोह बाद में तय हुआ है, पद यात्रा का कार्यक्रम पहले से तय हो चुका था, इसलिए वो यात्रा को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला की तरह ही उनकी होने वाली दुल्हन राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। दिग्विजय चौटाला की शादी पंजाब के अमृतसर की रहने वाली लगन कौर रंधावा से हो रही है। लगन कौर रंधावा के दादा पंजाब सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं उनके पिता का नाम दीरकरण सिंह रंधावा और मां का नाम रमिंदर कौर रंधावा है। आपको बता दें कि कई बड़ी दिग्गज हस्तियों ने शादी समारोह में शिरकत की है। इसमें यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी शिरकत की है।